दोस्तों आपको एक कहानी सुनकर हर पति को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी एक पति की है। तलाक के बाद पति को जो पश्चाताप हुआ, जो गलती महसूस हुई, उसको पूरी तरह से बयां किया। आजकल मेरे चैनल पे एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी काफ़ी आ रही है, तो मुझे जिसकी भी रियल स्टोरी हो, प्रैक्टिकल स्टोरी हो, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि पति और पत्नी का तलाक हो जाता है। उसके बाद पति का जो दर्द होता है, पति खुद के पेज पर लिख कर सेंड करता है कि सर इससे आप एक वीडियो बनाइए जिससे कहीं लोगों की सोच चेंज होगी, कम से कम 1% लोगों की भी सोच चेंज हो गई तो शायद बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों कि पति खुद अपने कलम से लिखता है कि हाँ, मैं पति होकर भी मेरा रिश्ता नहीं बचा सका, क्योंकि मैं मजबूर यहाँ हो गया एक संस्कारी बेटा, श्रवण बेटा बनने के चक्कर में अपने पार्टनर को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, चोरू के गुलाम के कहने के चक्कर में अपने पार्टनर खो दिया। मैं जानते हुए भी कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, तो भी एक संस्कारी बेटा होने की वजह से मैं अपने पार्टनर को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पति की कलम से सब कुछ लिखा गया है। इसमें दर्द पूरी तरह से लिखा इसने कि मैं एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपने पार्टनर को जानते हुए भी खुलकर सपोर्ट नहीं कर सका कि हाँ मेरी पत्नी है। क्योंकि ये समाज होती ना, जो समाज जब कोई पत्नी का कहना कर दे या पत्नी के कहने पे चल जाए, तो ये समाज ऐसी होती है कि उससे चोरू का गुलाम कहने लग जाती है। पति माँ बाप की गलती भी होती है ना, तो पति जानते हुए भी उनके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वह माँ बाप को बोल दे कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, तो माँ बाप कहने लग जाते हैं कि पैदा हमने तुझे किया या तुमने हमको पैदा किया, आज तू इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप को सिखाएगा। दर्द हर किसी को होता है, समझ सबको होता है, पति हो चाहे पत्नी होती है, जो गलत होता है वो सबके सामने दिखता है। बच्चे होने के बाद, पिता होने के बाद भी माँ बाप की बात मानता रहता है, छुपके छुपके भी जो भी गलती होती, तो भले ही पत्नी की कोई गलती ना हो, माँ बाप की कोई भी गलती हो, फिर भी पत्नी को ही डांटता है पति। क्यों? क्योंकि वह एक बेटा है, उसके पास जिम्मेदारी है। वो पत्नी को भी समझ सकता है, वो माँ बाप को भी समझता है, अपनी बहनों को भी समझता है, सबको समझना पड़ता है पति को, हर चीज़ को समझना पड़ता है। कहीं बार पति ये जानते हुए कि मेरी पार्टनर की कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरे माँ बाप की हाँ में हाँ मुझे मिलाना पड़ जाता है, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है, मुझे जन्म दी है, और माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। इसी कहावत के चक्कर में कई पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि एक ऐसी जिद हो जाती है माँ बाप की, जिसमें कहीं जगह ऐसा नहीं कि माँ का रिमोट पत्नी की तरफ से ही चलता है, कहीं पतियों की तरफ से चलता है, जो अपनी पत्नी को, बच्चे को भी छोड़ देते हैं माँ के रिमोट की वजह से। ना मैं चोरू का गुलाम बन सका इस वजह से, मुझे ना पत्नी की मैं दर्द समझ सका, लेकिन मुझे पश्चाताप है कि हाँ, मैं मेरी पत्नी गलत नहीं थी। बस एक अच्छा बेटा बनने के चक्कर में, श्रवण बेटा बनने के चक्कर में अपनी पत्नी को गलत साबित करने में लगे हुए थे हम कोर्ट कचहरी में। मेरे माँ बाप जैसे कहते जा रहे थे वैसे मैं करता जा रहा था, लेकिन काश मैं दो उस समय उल्टा जवाब दे सकता था, समझ सकता था मेरे पार्टनर को, तो शायद आज मेरा रिश्ता नहीं टूटता। जी हाँ दोस्तों, कहीं पतियों के साथ ऐसी कंडीशन सिचुएशन आ जाती है कि उनके माँ बाप कहीं पर प्रेशर, देखो माँ बाप मानते हैं गलत नहीं होते, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा गलत हो जाता है। उस चीज़ में बेटा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि मैं पत्नी को क्या बोलूँ, माँ बाप को क्या बोलूँ। अगर माँ के सामने पत्नी गुर्रा के बोल देगी तो पत्नी पर ही हाथ उठाएगा, माँ बाप को कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि मम्मी तुम गलत कह रही हो, कभी नहीं कहेगा बेटा हाँ मैं हाँ। माँ ने बहू के बारे में कुछ भी कह दिया तो मेरी माँ को ऐसा क्यों बोला, मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों, मेरी माँ बाप से तू दूर होना चाहती है, दूर करना चाहती है। हर चीज़ में आप पत्नी को टॉर्चर करते हो, आखिर क्यों यार, वो भी तो आपके लिए किसी का घर छोड़ के, अपना खुद का घर छोड़ के आई है, उसकी भी तो प्रॉब्लम, वो समझो ना, वो किसके विश्वास से आई है, आपके विश्वास से आई है, तो उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो। श्रवण बेटा बनने के चक्कर में अपने अच्छे पार्टनर कभी मत खो जाना। ये बात मैं हर पति से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं है और गलती माँ बाप की दिख रही है, तो मुंह पर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुरा चाहे किसी को भी लगे, लेकिन सामने बोल दीजिए कि हाँ पापा आपकी गलती है, बहन गलती यह है, मम्मी गलती यह है, क्योंकि आपका एक अच्छा पार्टनर का आप ही का साथ चाहिए उनको, आप ही का एक विश्वास होता है। अगर आप इतना भी बोल देते हो ना साथ में उनके साथ,
कि मम्मी ऐसी नहीं है, पत्नी की गलती नहीं है इसकी, किसी भी तरह कोई गलती नहीं है, आप जबरदस्ती इस पर टॉर्चर कर रहे हो, बार बार इसको मेंटल हरासमेंट कर रहे हो, तो अगर इतना भी कर दोगे तो वो आपके साथ जीवन भर रहने के लिए कितनी सूखी रोटी खाकर भी रह सकती है इस सिचुएशन में। जो अच्छी पत्नी होती है, कहीं पत्नियाँ ऐसी होती जो अपने माँ बाप तक बातें नहीं पूछाती अपने ससुराल की, हर कोई पत्नी ऐसी नहीं होती है, वो अपना घर बसाना चाहती है, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहती है, वो अपना पति का साथ चाहती है, वो कोई पैसा नहीं चाहती, वो हमेशा अपने पति के साथ रहना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में पति कभी भी ऐसी गलती ना करे कि माँ बाप को सही करने के चक्कर में अपनी पत्नी को गलत कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये एक पति ने लिखा था, बहुत ही अच्छी लगा मुझे, लगा कि सबको बताना चाहिए। कहीं ना कहीं पति दब जाते, कहीं ना कहीं इस डर से दब जाते कि मैं पत्नी का कहना मानूंगा तो लोग चोरू का गुलाम कहेंगे, माँ बाप को भूल गया, माँ बाप के खिलाफ चला गया, सो बातें हो जाती है। लेकिन यार समझिए, अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप दोनों को समझिए, दोनों की प्रॉब्लम को समझिए। पत्नी की गलती है तो पत्नी को बताइए, माँ बाप की गलती है तो माँ बाप को बताइए, लेकिन रिश्ता खराब मत करिए कभी। अच्छे पार्टनर आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, और जो पार्टनर आपका अच्छा है उसकी कदर कीजिए। किसी माँ बाप के कहने से या चोरू के गुलाम के कहने से, सुनने से इनसे मत डरिए कभी। लोगों का काम होता है कहना, लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोगों का काम होता है, निठन्ने लोग होते हैं, वो यही काम करते हैं, एक दूसरे की कमी निकालने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आपके पार्टनर की रेस्पेक्ट कीजिए ज़रूर। अगर आपके पार्टनर की गलती नहीं होगी तो वो आपकी हर बात समझेगी, सुनेगी, उसको आप प्यार से समझा दोगे ना आपकी पत्नी को, देख मैं माँ बाप के सामने नहीं बोल सकता, इस सिचुएशन को तुझको समझना पड़ेगा, तू भी इस बात को इग्नोर कर दे माँ बाप को। कहीं पर हर पत्नी इग्नोर करती है ऐसा नहीं है, टॉर्चर मिलता है, सास का ननद का हर पत्नी को टॉर्चर मिलता है कहीं ना कहीं जाके। लेकिन अच्छी पत्नियाँ होती उस चीज़ को सहन करती है, उन बातों को कभी अपने घर तक नहीं पहुँचाने की कोशिश करती है। बट वो वहाँ पे पति अपने घर वालों को सपोर्ट करता रहता है, पत्नी को कभी सपोर्ट नहीं करता, इसी कारण से कहीं पर रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाया हर किसी पति के लिए कि काश अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आप उसे समझिए, आप श्रवण बेटा बनने की कोशिश मत करिए, ना ही आप चोरू का गुलाम बनने की कोशिश मत करिए। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इनकी बातें कभी मत सोचिए। अच्छा पार्टनर है तो आपके माँ बाप जो गलती कर रहे हैं, जिनकी गलती है उसको मुंह पे कहिए कि मम्मी आपकी गलती यह है। पत्नी की आपकी गलती आ रही तो पत्नी को समझाइए कि देख बेटा ऐसी गलती है तुम्हारी, तो इसको सुधारिए। जरूर समझदार पार्टनर आपका उस गलतियों को सुधारेगा और आपका साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, हर कोई ये कहता है कि मेरे ही माँ बाप सही है, मेरे माँ बाप के खिलाफ ऐसा बोल दिए। कहीं बार पत्नी को टॉर्चर इतना हो जाता है, मेंटल हरासमेंट इतना हो जाता है कि उनको बोलना पड़ जाता है। कितनी सहन शक्ति रख सकती है, महिला से ज़्यादा कोई सहन शक्ति नहीं रख सकती है। लेकिन उस सिचुएशन में महिला कभी आपकी माँ बाप के सामने बोल दी, घुर्रा के बोल दी, कुछ बोल दी, तो वहाँ पर उसका दर्द समझिए, उसको मजबूर किया गया कि वो बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि वो आपके माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करती, वो भी आपके माँ बाप की अच्छी रेस्पेक्ट करती है, क्योंकि वो अभी आपके माँ बाप को आपके अपने माँ बाप के रूप में ही देखी है, उन्हीं के विश्वास है। आप घर पे 24 घंटे तो रह नहीं सकते ना, 24 घंटे तो आप घर में रह नहीं सकते ना, सास के साथ ही तो बहू रह पाएगी ना, तो उसका भी दर्द समझिए, प्यार से समझिए। जब गुस्से में आपकी पत्नी है तो कभी भी कोई पार्टनर मत बोलिए, शांत होकर बैठ जाए कुछ समय के लिए, बाद में उसे पूछे कि गलती क्या थी, क्या बात हुई, मम्मी ने क्या बोला, भाई ने क्या बोला, सिस्टर ने क्या बोला। अगर बाई चांस आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट है लगता है तो आप अपने भाई से बोलिए कि भाई ऐसी गलती क्यों कर रहा है, पापा जी ऐसी क्या बात हो गई, मम्मी को देखो खुलकर। अच्छा पार्टनर, अच्छा बेटा वही बनता है जो दोनों की बात सुनता है, वो हस्बैंड की भी सुनना पड़ेगा, आपकी वाइफ है उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, दोनों की सुननी पड़ेगी, तभी जाके आपका देखो रिश्ते में 75% दर्द होता है, 25% ही सुख होते हैं आपकी मैरिज लाइफ में। अब 25% दर्द को, 25% जो सुख होता है आपकी लाइफ का, उसको 75% दर्द में मैनेज करके चलना पड़ता है, इसी को एक मैरिज लाइफ सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं। और अपने ही पार्टनर के साथ जीना जरूरी है। देखो कोर्ट की हमेशा इंटेंशन यही रहती है कि रिश्ता खराब कभी ना हो, हमेशा कोर्ट भी आपको बार बार यही कहता है कि जो ईगो अहंकार है उसको खत्म करो, लेकिन लोग नहीं करते ना उस चीज़ों में, अपनों पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता, और इसी कारण से रिश्ते, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि पार्टनर को भी समझिए, रेस्पेक्ट कीजिए, और एक दूसरे पार्टनर को रखकर
ये रखिए, एक कलम की थी, एक हस्बैंड की थी, कि उसको अपनी गलती का पश्चाताप था कि उसे लोग चोरू का गुलाम ना बोले, माँ बाप के खिलाफ जाने वाला ना बोले, और इस वजह अपने पार्टनर को वो छोड़ दिया। आयो कहीं कि लोगों के साथ, कहीं हस्बैंड इस चीज़ों में भी फंसे होंगे कि मेरे माँ बाप की गलती होते हुए मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप बोलिए, खुलकर बोलिए कि साहब इसकी गलती नहीं है। अपने पार्टनर को भी समझाइए, 101% आपका रिश्ता अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ट्रस्टेड बनेगा। अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट दोगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ खड़ी मिलेगी। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को हर किसी में 1% लोगों की भी थिंकिंग चेंज होगी, तो आई होप मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। साथ में मेरा सोशल मीडिया की लिंक होती है, उनका जरूर फॉलो कर लेना दोस्तों।